हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चलना होता है सेटिंग में। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन नंबर मिल जाता है कन्वीनियंस टूल्स। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन नंबर मिल जाता है जेस्चर एंड मोशन। सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नीचे आ जाना, और यहाँ से आपको ये चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है राइज टू वेकअप। सिंपली आप इसे इनेबल कर देंगे। इसे इनेबल करने से क्या होता है, जैसे ही आप फ़ोन कहीं टेबल पर रखा हो और फ़ोन आ रहा हो, आप उठाते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है। दूसरा, आपको फ़ोन रखा है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर। सिंपली आप इसे को फ़ोन, जैसे ही आपको फ़ोन कहीं टेबल पर रखा है, इस प्रकार से रखा है, और आप वैसे ही जैसे अपने फ़ोन के लिए उठाते हैं, इस प्रकार से उठा के अपना फ़ोन जैसे ही कान के पास ले जाएंगे, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक आंसर हो जाता है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो स्विच टू रिसीवर। इसे इनेबल करने से क्या होता है, जैसे ही आपका फ़ोन, जैसे आपने किसी को फ़ोन लगाया और आप उसे हैंड फ्री करके लाउड स्पीकर पर बात कर रहे हैं, और आप इसे ऑन करने हैं, आप उसे बिना लाउड स्पीकर ऑफ करें, जैसे ही आपका फ़ोन अपने कान के पास जाता है लिफ्ट कर तो ईयर के पास, जैसे ही आप अपना फ़ोन कान के पास ले जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक वो लाउड स्पीकर जो होता है वो ऑफ हो जाता है, आपको फ़ोन स्पीकर पे आ जाता है, तो आपको फ़ोन माइक में आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं हैंड फ्री कर रखा है, वो हैंड फ्री आपका ऑफ हो जाता है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप टू इनकमिंग कॉल। इससे क्या होता है, जैसे ही आपके फ़ोन में कोई कॉल आ रही है और आपका फ़ोन इस प्रकार से फ्लिप कर देते हैं तो आपकी कॉल म्यूट हो जाती है। यहाँ से हम बैक आते हैं और आपको चेक करा देते हैं। उसके बाद आपको एक फ़ोन में यहाँ से आपको अपना जो डायलर होता है वो डायलर ओपन कर लेना है। राइट साइड में तो सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है फ्लैश ऑन कॉल। इससे आप इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे आपके फ़ोन के अंदर कोई कॉल आती है तो आपके यहाँ से अपनी जो फ्लैश लाइट ब्लिंक करने लगती है आपकी, और यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन नंबर मिल जाते हैं। नीचे आपको यूज पावर बटन हैंगअप, इससे आप इनेबल कर लें। इससे क्या है, जो पावर बटन है, पावर बटन प्रेस करते ही आपकी कॉल एंड हो जाती है। तो ये थी हमारे फ़ोन की कुछ कॉल सेटिंग की वीडियो। आई होप आपकी फ़ोन की ये फ़ोन के अंदर अवेलेबल हो, आप इसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें न भूलें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।